फ्लिपकार्ट ऐप से कुछ भी परचेज करने के लिए जा रहे हो तो आपको कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे पास गए ऐसे कई सारे कमेंट आए थे कि सर मैं फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज कर रहा हूँ तो वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं दिख रहा, मैं हो चुका हूँ परेशान, तो इसका क्या सल्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, मैं गए यहाँ पे फ्लिपकार्ट में, मैं जो हूँ गए यहाँ पे 13,058 रुपये का मैं एक सामान ऑर्डर कर रहा हूं, जिसमें कि मुझे यहां पे कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन शो हो रहा है। मैं चाहूं तो यहां पे प्लेस ऑर्डर पे जाकर मैं इसे ऑर्डर गाइज यहां पे कर पाऊंगा, लेकिन आप गाइज यहां पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। आपको यहां पे कैश ऑन डिलीवरी करने में यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप हो रहे हैं परेशान। तो इसके पीछे गाइज यहाँ पे जो है एक रीज़न नहीं बल्कि पर कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको सभी रीज़न के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ये यहाँ पे किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन गलतियाँ नहीं करना है, जिससे कि आपको फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको गाइस यहाँ पे करना है कुछ नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे करना है क्योंकि मैं आपको एक गाइस यहाँ पे ऑर्डर को मैं गाइस यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं गाइस यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे CP+ का एक यहाँ पे मैं कैमरा, जो कि गाइस यहाँ पे वाईफाई कैमरा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं गाइस यहाँ पे जो है मैं इस वाले कैमरा को मैं यहाँ पे परचेज करने के लिए सोच रहा हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे बाय नाउ पे सेक्शन में जाऊँगा, स्किप एंड मैं कंटिन्यू करूँगा, और सिंपल मैं गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास गाइस यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं जो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहने का सबसे पहला रीज़न, पहली बार क्या होता है कि कभी कभी गाइस अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट से महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई आप महंगे फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिखता है। लेकिन वहीं पर गाइस यहाँ पे अगर आप गाइस यहाँ पे कुछ भी सस्ते यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं तो मात्र 200 का मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ ऑर्डर, मैं तो 500 का ऑर्डर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस केस में गाइस यहाँ पे आपके पास क्या सल्यूशन है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं और आप उसे लेते नहीं हैं, उसे कैंसिल कर देते हैं फ्लिपकार्ट से, फिर आपने ऑर्डर किया तो गाइस यहाँ पे तुरंत आपने उसे कैंसिल कर दिया, या आपके घर पे जब यहाँ पे सामान लेकर आता तो उसे आप लेने से इनकार कर देते हैं, तो उस केस में गाइस यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो गाइस यहाँ पे जो ID ख़राब होता है, उस कारण से आपके जो फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को रिमूव कर दिया जाता है, कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को हटा दिया जाता। तो गाइस अगर आपके पास भी कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिसके लिए आप हो रहे हैं परेशान, तो इसका बस एक ही सल्यूशन है कि आपको जब भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना हो तो आप गाइस यहाँ पे जानबूझकर कैंसिल नहीं करें, जब भी आपको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करना हो उसी को ऑर्डर करें। तो इसका सल्यूशन क्या है कैश ऑन डिलीवरी को वापस लाने का, तो आपको पहले गाइस यहाँ पे 2-3 ऑर्डर को करना होगा, 2-3 ऑर्डर को गाइस यहाँ पे मंगाना होगा, उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आपका आईडी जो है गाइस यहाँ पे अच्छे से काम करने लगेगा, और उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर जो है गाइस यहाँ पे आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे कोई गाइस यहाँ पे खास कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको छोटे मोटे बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप छोटे मोटे बातों को ध्यान में रखेंगे तभी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को कैसे वापस लेकर आए और कैश ऑन डिलीवरी वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।